ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 774 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੈਂਪ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि वह प्लास्टिक का इस्तेमाल घट तो घट कर अज के इस सफाई अभियान प्रोग्राम के नाल साडा आखिरी प्रोग्राम है तो साडा टारगेट सी कि 75 लाख किलो प्लास्टिक इकट्ठा करना जो कि असी इकट्ठा कर चुके हैं। ये जो स्वच्छता जो अभियान चला रखा ना सरकार ने भारत सरकार ने उसका समापन है आज तो 2 तारीख से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर पूरे भारतवर्ष में चलाया गया इसको। तो जो आज मेरे को जो ने याद कर ली गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंटमेंट किया तो उस कनेक्शन में मैं यहाँ हूँ। संदोष जो ने स्वच्छता एक्शन जो ना पूरे इंडिया में साफ होना चाहिए, दूसरी जो बीमारी कम फैलती है, एक हम अपने स्वच्छ वातावरण को रात करते हैं, बस मुझे इतना ही कहना है। मेरा नाम विक्रम सिंह गिल, मैं स्टेट डायरेक्टर नहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री यूथ और फिटनेस स्पोर्ट्स पंजाब चंडीगढ़ हूँ। अज असी इत्थे अमृतसर आए हैं ज 1 तरीक तो लैके 1 अक्टूबर तो लैके 31 अक्टूबर तक जोड़ा चल रहा वा क्लीन इंडिया अभियान चल रहा सारे हिंदुस्तान दे विच उहदे हिस्से वजो अज क्लोजिंग सैरामनी है इत्थे असीं पहुँचे हैं। और तुहानूं सारिआं नूं याद होएगा कि नहरू युवा केंद्र अमृतसर वल्लों काफ़ी वधिया चंगे प्रोग्राम होए आ और सारे हिंदुस्तान च इक टारगेट फिक्स कीता सीगा कि 75 लख किलोग्राम जिहड़ा प्लास्टिक है मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक है उन्होंने और कूड़े इकट्ठा करना ये साडा टीचा सीगा। इस टीचे नूं असी जिहड़ा है 29 तक ही असी पूरा कर लिया सारे ने और सारा पंजाब का जिहड़ा टीचा हैगा सी साडा वो 2,05,000 किलोग्राम का सी जिहड़ा कि असी जिहड़ा वो टीचा जिहड़ा 2,64,000 के रूप में असी पूरा कंप्लीट कर लिया वा। इस तरह ही अमृतसर का जो टीचा है अमृतसर ने भी अपना पूरा कंप्लीट किया है। टोटल साड़िया जड़िया पंजाब दे विच यूथ क्लबा है 5,865 यूथ क्लबा ये लगिया हुई वा और लगभग 1 लख तो वध नौजवान जड़ा वा ये शामिल हो चुकिया वा साड़ा पंजाब दे विच और असी जड़ा सरकार वल्लों जो टीचा सी इह टीचे नूं असी कंप्लीट किया है वा तो और इस टीचे नूं कंप्लीट करने वास्ते साडे नाल अज स्पैशल मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तो श्री दयानंद जी जो कि डायरेक्टर फाइनेंस ने मिनिस्ट्री यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के स्पैशल चल के साडे को इत्थे चल के आए ने। इतों की डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर मैडम आकांक्षा साडे अलग अलग नौजवान साथी रजीव मदान जी है दूसरे साथी है सारे नौजवान है सारे मिल के असी अपने देश दे विच जिहड़ी गंदगी है उहनू दूर करन वास्ते एक जिहड़ा बीड़ा चुक्या वा उसनू दूर करके रहांगे। थैंक यू। मेरा नाम आकांक्षा महावरिया है और मैं नहरू युवा केंद्र अमृतसर में जिला युवा अधिकारी हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारा जो क्लीन इंडिया कैंपेनिंग है जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा था पूरे भारतवर्ष में 774 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चलाया गया जिसमें हम प्लास्टिक फ्री कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। और साथ ही साथ ये आज का जो समारोह है ये इसका समापन समारोह है क्योंकि हमारा ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का टारगेट था कि 75 लाख केजी हमने कलेक्ट करना है जबकि हम उससे ज़्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया का जो हमारा आंकड़ा है वो 75 लाख किलो से ज़्यादा है। और आज के जो हमारा कार्यक्रम है इसके मुख्य मेहमान हमारे जो हैं श्री दयानंद जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं वो हमारे इसमें चीफ गेस्ट रहेंगे और साथ ही साथ हमारे नहरू युवा केंद्र पंजाब एंड चंडीगढ़ जोन के जो हमारे स्टेट डायरेक्टर हैं श्री विक्रम सिंह गिल जी वो भी इसमें अभी शिरकत करेंगे समारोह। अमृतसर तो हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरों लई तुसी देखते रहो अजीत वैब टीवी।